Hello, good morning to everybody. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 students are there online. Lagta bhi sab aa rahe hain dheere dheere. Last time I have told you that ek chapter hum first book ka karenge aur aaj hum karenge second book ka first chapter, theek hai? To thoda sa interest develop hoga. First book ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा टफ है और सेकेंड बुक आपकी इंडिया के ऊपर है तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है? तो सेकेंड बुक इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. टेंथ में मैक्सिमम हमने जो पढ़ा है वो इंडिया ही पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो आपको थोड़ी सी टेंथ के कोर्स से हेल्प हो जाएगी. ओके, तो चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ठीक है? चैप्टर नेम इज, चैप्टर फर्स्ट इज पॉपुलेशन और इसमें वी विल स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन. होप सबके पास बुक होगी और या पीडीएफ होगा, अदरवाइज आई हैव टू सर्च PDF for you. And for that, I have to open your folder. Population distribution density and composition. So your, I do have PDF, I have opened it, and let's start. So first of all, India is the second most population country. India is the second most populous country. Yes, second most country in the population after China in the world. According to 2011, the total population of India was 1,210 million crores. Mein baat karein, toh 121 crores. After each and every 10 years के बाद क्या होता है, सेंसस, जिसको गवर्नमेंट ने नया नाम दिया NPR, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके ऊपर सारी लड़ाई चल रही है पूरे इंडिया में, जबकि वो हर 10 साल में डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है? तो डाटा कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विद इट्स ऑल डिटेल्स ऑफ मेल फीमेल children, aged people, according to different age groups, the collection of data of population known as census. और जो census में हम जो कुछ data collect करते हैं उसी को government ने नया नाम दिया है NPR, National Population Register. Okay? शिक्षा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जिससे मुझे पता रहे कि साउंड आ रही है नहीं आ रही आप लोगों तक. तो एक बस, और किसी को नहीं करूँगा, एक को ही कर रहा हूँ. चल रही है.
Vision sir, can you hear me? There is some network problem. Yes, can you hear me, Vision sir? I have only mute one student. जैसे मुझे पता रहे कि मेरी क्योंकि अभी थोड़ी सी लाइट गई थी मेरे यहाँ तो मुझे पता नहीं चला डाउट हुआ कहीं कनेक्शन तो नहीं कट गया है ना, इसलिए मैं कहा कम से कम एक बच्चे की मैं ऑन रखूँ. ठीक है, ओके. तो आई वाज सेइंग पॉपुलेशन की बात करें, एनपीआर की बात करें, सेंसस की बात करें. जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में भी वी आर गोइंग टू स्टडी डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन. ये सब हमें कहाँ से डेटा मिलेगा? पॉइंट इज दिस, है ना, शुरुआत करें तो कहाँ से मिलेगा? ये हमें सेंसस से मिलेगा. सेंसस क्या है? गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट का एक बुक है सेंसस, जिसमें सारा डेटा कलेक्शन है और हर 10 साल में डाटा कलेक्ट किया जाता है. टीमें बनाई जाती हैं, सर्वे करते हैं डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, गांव में, शहर में, झोपड़पट्टी में, सब जगह हर घर में जाके पता करेंगे कितने बड़े लोग हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, नाम क्या है, कितने फीमेल हैं, मेल हैं, कितने बच्चे हैं, सबका एज ग्रुप. ठीक है, तो पहले होता है फील्ड सर्वे, डाटा कलेक्शन होता है, फिर छांटे जाते हैं ग्रुप के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पहले थे एक घर में, अब कितने कम हो गए हैं, है ना. कुछ नया न्यू बॉर्न होंगे, कुछ कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी. ठीक है, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का पता करना, ये सारे डेटा कंपाइल करते हैं. इससे कंपोजिशन पता चलती है हमें हमारे देश की, इवन ऑल द स्टेट्स की, सारे स्टेट्स में कितना मेल है, फीमेल है. ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट सिंपल सी डेफिनेशन है, यू मस्ट बी नोइंग, सबको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो. ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? एक वन मार्क्स में आता है ये. बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. ठीक है, ये किसमें आएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ. तो किसी स्टेट का पता करना हो, कंट्री का पता करना हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये आएगा. बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट. इसी को आज की तारीख में हम क्या बोल रहे हैं? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. कुछ नहीं है, ये सेंसस ही है, हर 10 साल में होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है. यू आर ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, कभी कोई आपके सामने बहस करे कि एनपीआर गलत है सही है, तो यू शुड क्लियर देम, उनके दिमाग को ना जरा जो गलत फहमियाँ हैं, जो गलत मैसेज है उनके दिमाग में, गलत न्यूज़ है, वो सब क्लियर करो. यू शुड टेल देम, बताना चाहिए आपको, नहीं भाई ये सेंसस है, इसको बस नया नाम दे दिया एनपीआर, और ये हर 10 साल में होते ही होता है, और कंट्री की पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं. फ़ायदा क्या है काउंट करने का? पता चलेगा कि कौन से स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ कम है. एक एज ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, वो कैसे पता चला? सेंसस के डाटा से. कि एज एग्जांपल पॉपुलेशन को हम तीन डिवीजन में करते हैं, जो हम लास्ट स्केल पे पढ़ते हैं अपने 12th क्लास में, एज स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एज कंपोजिशन पढ़ेंगे. बिलो 14 एज, 0 to 14, बिलो 14 एज, ठीक है, ये बच्चे लोग होते हैं, और ये इनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं. 15 to 59 ये वर्किंग पॉपुलेशन है, आपके पेरेंट्स हैं, आप बड़े ब्रदर्स हैं, जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, माई सेल्फ ऑल्सो. और फिर 16 अबव और बुजुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, दे ऑल्सो कम इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन. तो वी हैव डिवाइडेड अवर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इंटू थ्री ग्रुप्स. लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, डिपेंडेंट पॉपुलेशन. अबव 60 ऑफ ईयर एज, डिपेंडेंट पॉपुलेशन. बिटवीन 15 to 59, इट विल कम इन वर्किंग पॉपुलेशन. ओके, और ये दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन किसके डिपेंड है? वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर. तो जो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में ज्यादा नहीं है, काम करने वाले हमारे यहाँ बहुत कम है, बैठ के खाने वाले ज्यादा है, वो जापान में ज्यादा है हमसे ज्यादा, परसेंटेज की बात करें तो, ऑनली परसेंटेज. लेकिन जब यूथ की बात करते हैं, यूथ जो यंग एज वाले हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, इसलिए हम कहते हैं कि वी हैव अ यूथ पावर. ठीक है, आगे चलते हैं.
डेंसिटी, वन मार्क क्वेश्चन यहां बनता है, आप लोग लिखते जाइए साथ साथ, जब भी मैं क्वेश्चन बोलूं प्लीज ट्राई टू राइट द क्वेश्चन, आंसर आप बाद में करते रहेंगे ठीक है, अभी आप कुछ आंसर नहीं लिखेंगे, ओनली राइट द क्वेश्चन एंड लिसन टू मी. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर. नंबर ऑफ पीपल लिविंग 1 square kilometer, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 square kilometer, यानी कि ऐसा प्लॉट जो 1 kilometer लंबा है, 1 kilometer उसकी विड्थ है, लेंथ ऑफ विड्थ कितनी है 1/1 kilometer, क्या बनेगा 1 square kilometer, इसके अंदर जितनी पॉपुलेशन है वो क्या कहलाएगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये कहलाएगी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, लिखेंगे इसे आप, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप में से कोई भी एक बच्चा या दो बच्चे ठीक है, क्वेश्चंस लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्योग्राफी का जो ट्वेल्थ का आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डालेंगे, आंसर नहीं लिखना, सिर्फ आज के जितने भी मैं क्वेश्चन बोलूंगा वो सब लिख के क्वेश्चन, और उस पर क्लियर फोटो, तेज लाइट में फोटो हो, अंधेरे में नहीं, तेज लाइट में जो क्लियर हो, क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम है, सबके घरों में सिग्नल्स अच्छा नहीं जा रहा है, तो जिन बच्चों के यहाँ सिग्नल अच्छा नहीं है तो देखें सीधा व्हाट्सएप ग्रुप तक आज के क्वेश्चन क्या थे. ओके, क्वेश्चन था व्हाट इज द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, तो मेनी वे बुक से ढूंढेंगे, गाइड से ढूंढेंगे, गूगल से किसी पूछेंगे और उसके आंसर आप करेंगे ठीक है, और जो आंसर है वो आप व्हाट्सएप पे डालेंगे, अब आज आप क्वेश्चन डालेंगे और जिसको आंसर मिलते जाए वो आंसर भी डाल दें, एक एक नंबर वाले के, जिससे हम चेक कर लेंगे सही है कि गलत है. ओके, वी विल टेल. In 2011, density of population of India was 382 person per square kilometer. मैं आपको बता रहा हूँ पुराना डाटा, 2011 का density of population India की कितनी थी, 382 person per square kilometer, ये average है. 11 में बढ़ गया होगा क्योंकि population भी बढ़ गई होगी. अब इसमें फिर नया question बनता है, क्वेश्चन नोट करेंगे, नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चेक करेंगे आप, तो होपफुली द आंसर शुड बी, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ बट आपको करेक्ट चेक करना है कि द माई आंसर इज राइट और रॉन्ग, मैंने आपको जो आंसर दिया है गलत है कि सही है ठीक है. तो 2011 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट 2019 तक, आप भी चेक करेंगे डेटा, लेटेस्ट डेटा जो भी है आज की तारीख में, विच स्टेट इज हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द आंसर इज वेस्ट बंगाल, द आंसर इज वेस्ट बंगाल, और इसकी जो डेंसिटी है ऑफ पॉपुलेशन इट इज अप्रोक्स 1100 प्लस, अप्रोक्स 1100, अब मुझे इसके आगे याद नहीं आ रहा है 8 है या 4 है ठीक है, ये आपको डेटा खुद चेक करना है और गूगल पे आप देखेंगे कि ये सही है गलत है ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ 1100 प्लस, अब आपको ढूंढ के देखना है कि प्लस में क्या आएगा, 4 है 8 है कितना है 9 है. ओके, तो द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल. ओके, जहां लिखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर उस पर एरो ऊपर की तरफ बना देंगे, जो भी चीज हम हाईएस्ट का डेटा लेंगे, डेटा बहुत है क्लास 12 में और बहुत ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ओके, और जो लोएस्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस्ट के लिए हम एरो नीचे की तरफ शो करेंगे, तो उससे क्या है जैसे हम डेटा पढ़ेंगे तो अगर हमारे दिमाग में गलत पिक्चर, गलत भी हो सकती है कि डेंसिटी हाईएस्ट पड़ी थी लोएस्ट पड़ी थी, तो बगल में एरो होगा ना, पता रहेगा नहीं वो हाईएस्ट पे पड़ी है हमने, वो लोएस्ट पड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नेम द स्टेट हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन,
एक नंबर क्वेश्चन, 18 क्वेश्चंस आएंगे आपके टेक वाले, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैं पूछ रहा हूँ इस समय। आंसर, द स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में 1 square kilometer में जो डेंसिटी थी इट वॉज ओनली 17 लोग तो रहते थे। कितनी अच्छी जगह है, कहाँ दिल्ली में रह रहे हो आप सब लोग, वोटो आसाम, 1 kilometer एरिया में 17 लोग, 1 kilometer एरिया के 17 प्लॉट कट जाएंगे बड़े बड़े, है ना, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स होंगे, हार्ड से रहिए उसमें। लेकिन लेटेस्ट डेटा क्या है 2019 का, 20 का, 18 का, जो भी लेटेस्ट डेटा है उससे आप टैली करेंगे क्या लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट यही सेम आंसर है अरुणाचल प्रदेश या कोई और है, ऐसा तो नहीं कोई और बन गया हो, तो ये आपको चेक करना है डाटा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश और पीछे एरो नीचे, और ये क्वेश्चन ये आपको चेक करना है डेटा से, और नेक्स्ट टाइम अगर गलत है तो आप करेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालोगे क्वेश्चन ये था और आंसर इज दिस, राइट आंसर इज दिस, ओके। आई विल ऑल्सो चेक कि सही है क्या है गलत क्या है। तो दो हो गए स्टेट में, हाईएस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल 1100 प्लस परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर, लोएस्ट में 2011 के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया हाईएस्ट एंड लोएस्ट, दैट्स इट। इसे बिल्कुल अलग कर दो नया। अब बात करेंगे यूटी की, यूनियन टेरिटरी। इन यूनियन टेरिटरी अगेन सेम क्वेश्चन, नेम द यूटी यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप सब लोग वहीं पर रहते हो, ओके, आप सब लोग वहीं पर रहते हो एंड द आंसर इज दिल्ली, एंड द आंसर इज दिल्ली। दिल्ली का कितना है 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 square kilometer में 11,000 पीपल रहते हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत बुरा हाल है, 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में। स्टेट में था 1100 पर्सन पर्सन वेस्ट बंगाल में, हाईएस्ट था, ठीक है, लोएस्ट था अरुणाचल प्रदेश 17, कहां 17 कहां दिल्ली 11,000, डाटा दिमाग में रखने से ऑनली सेक ऑफ नॉलेज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, सेकेंड हाईएस्ट यूटी विच इज द सेकेंड हाईएस्ट यूटी इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कुछ को पता होगा आंसर, कुछ को नहीं पता होगा, द आंसर इज चंडीगढ़, द आंसर इज चंडीगढ़, ठीक है। आंसर इज चंडीगढ़, और उसका कितना है अप्रोक्स 9,000 प्लस, 9,000 पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटी हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यूटी हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है, लेटेस्ट डेटा लेके आना है, ठीक है, कि क्योंकि लेटेस्ट डेटा अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, यू हैव टू सर्च द आंसर एंड पुट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो इट विल हेल्प द अदर ऑल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन की बात हो गई, ये टॉपिक अलग हो गया,
अब बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन के बाद. इंडिया पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 121 करोड़, 2019 के हिसाब से अप्रोक्स 136 करोड़. इस साल सेंसस हो रही है, अब थोड़ा रुक गई है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, अदरवाइज सेंसस का काम शुरू हो चुका है. काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हम एनपीआर बोल रहे हैं, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन अब कुछ समय के लिए रुक गया है. अब इसका डेटा जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा 2021 में. तो 11 में हुआ था सेंसस और अब 11 में आया सेंसस, अब कब आएगा 21 में. पिछले 10 साल में पॉपुलेशन हमारी कितनी ग्रोथ हुई, कितनी बड़ी, कितनी कम हुई, किस सेक्टर में, किस एज ग्रुप में कम ज्यादा हुई, वी विल सी. तो हमें ये सारे डेटा थोड़े से चेंज हो जाएंगे. फिलहाल हम इसी डेटा पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे. सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, डेंसिटी दिमाग से निकाल दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. विच इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ना डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ना परसेंटेज की बात कर रहा हूं, सिर्फ टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं. और उसका आंसर मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, ठीक है. स्टेट हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और सबको पता होगा स्टेट इज उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 19.95 करोड़, इट विच मीन्स अप्रोक्स 20 करोड़. इन 2011 टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज 20 करोड़. ओके, अब 2021 में जब नेक्स्ट ईयर आएगी, या अब लेटेस्ट भी आप चेक करोगे कहीं पर डाटा आपको मिल जाएगा, तो ये आपको डाटा शायद 22 हो, 23 हो, आई डोंट नो, 21 भी हो सकता है, कितना ये इंक्रीज कर गया. ओके, तो स्टेट हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में. डेंसिटी पॉपुलेशन एक अलग है, टोटल पॉपुलेशन अलग पूछ रहा है, और परसेंटेज में कुछ और डेटा पूछ सकता है, आपको बिल्कुल चक्कर आ जाएंगे. डाटा परसेंटेज में पूछ सकता है, डाटा टोटल में पूछ सकता है, और डाटा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछ सकता है. तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर. आप 3 पेज पे डिफरेंट डाटा लिखेंगे, डेंसिटी पॉपुलेशन वाला पेज अलग रखो, टोटल पॉपुलेशन वाला पेज अलग रखो, और परसेंटेज वाला पेज आपको अलग रखना है. अगर एक ही पेज पे सारे डेटा आपने लिख दिए तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे एग्जाम में जब आप सीबीएसई में बैठेंगे. ओके, द स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग लोएस्ट टोटल पॉपुलेशन, द स्टेट हैविंग लोएस्ट टोटल पॉपुलेशन. 10 मिनट्स चल गए. द स्टेट हैविंग लोएस्ट टोटल पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी सिक्किम, 6 लाख पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से, 6 लाख पॉपुलेशन थी यहां पर, और इससे कम किसी भी स्टेट में पॉपुलेशन नहीं है. दिस इज द लोएस्ट डाटा. ओके, एनसीईआरटी और डीआर कुल्लर दोनों रखनी है आपको, और दोनों ही आपको कुछ चीजें डीआर कुल्लर में ज्यादा अच्छी हैं, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ डीआर कुल्लर में टेबल दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ पॉपुलेशन वगैरह, तो आप इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट बहुत आराम से देख सकते हो. बट ये टेबल एनसीईआरटी में नहीं दी है. ओके, तो अभी तो जिसके पास जो है उससे पढ़ना है. और जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ पे देख लो, पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लो, नहीं है तो मैंने पीडीएफ खोल रखा है. ओके, बट द क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू वो आप लिखते जाओ, वो ज्यादा आपको हेल्प करेंगे.
स्टेट की बात हो गई, अब बात करेंगे हम यूटी की। ये सब चीजें एक एक पेज पे करो, चाहे आपकी दो लाइन भरे हैं उसके पूरा पेज खाली छोड़ दो। आपको ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए, है ना, ये मिक्स जूस नहीं बनना, सब अलग अलग होना चाहिए। अब है यूटी हैविंग टोटल पॉपुलेशन, यूटी हैविंग हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। विच यूटी हैविंग हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, सबको मालूम होना चाहिए इसका आंसर भी। आप लोग कहाँ रहते हो? दिल्ली में, ठीक है। और 2011 के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन थी 1.67 करोड़ प्लस 1.67 करोड़। अब उम्मीद करते हैं अगर आप आज की जो लेटेस्ट डेटा चेक करोगे 2019 का, ये डेटा अप्रोक्स 2 के आसपास पहुंच गया है, अप्रोक्स 2 करोड़। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अराउंड 2 करोड़। तो यूटी में हाईएस्ट कौन आया? दिल्ली, अप्रोक्स 2 करोड़ लिख सकते हो। और जब यूटी के लोएस्ट की बात करें तो सबसे कम है लक्षद्वीप। टोटल लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इन यूटी, यूटी हैविंग लोएस्ट टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज लक्षद्वीप, विच इज 64,429, 2011 का है ये, अकॉर्डिंग टू 2011 64,429। आप 64,000 प्लस कर सकते हो, ठीक है। टाइम 28 भी टाइम है, 40 का देना, ठीक। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन कर लिया आपने, पॉपुलेशन डेंसिटी कर लिया, यूटी में कर लिया, स्टेट में कर लिया। ओके, अब हम करेंगे ग्रोथ रेट। अब हम करेंगे ग्रोथ रेट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2011। उल्टा कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन की। और आंसर इज 17.64। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की 2011 में। अगर आप 91, 81, 71 में जाओगे तो अप्रोक्स 22% है, थोड़ा सा कम हुई बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लोगों की समझ में आया कि कम बच्चे होंगे उनको ज़्यादा फैसिलिटी हम दे सकते हैं, ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा होंगे तो हम ना ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, ना अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, अच्छी बच्चे को लाइफ कैसे दे सकते हैं, है ना। टेबल के लिए इतना ही बहुत है, स्टेबल से जितना आपके काम की चीज थी। नेक्स्ट इज आपका 10 मिनट, 8 मिनट से आ गए। स्क्रीनशॉट लेना है आपके अटेंडेंस का। चलिए, आज जो भी एब्सेंट हो उनके नाम ग्रुप में प्रशंसा भेज देना बेटा, क्योंकि आज मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल नंबर मुझे मिला के 16 है, तो बहुत कम है भाई, है ना। ये
ये प्लीज अपना नाम लिखेंगे, पुशर के बाद सैमसंग A9 A50 लिखा हुआ है, जिसका भी ये नंबर है बेटा, नाम लिखो नहीं तो आपकी एबसेंट चली जाएगी, क्योंकि नाम से ही होगा ये। बाद में आप व्हाट्सएप पे नाम डाल देना, मुझे आइडिया नहीं है, अभी अभी मत कुछ करना, ठीक है? एक सैमसंग A50 जिसका भी नाम हो व्हाट्सएप बता देना, तो मैं उसका नाम व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा। ओ सुहेल अंसारी इज देयर, गुड मॉर्निंग सर। शायद 2 क्लासों में नहीं था सुहेल, है ना? राइट, चलिए ये मैंने खींच दी आप अटेंडेंस की आज। हाँ भाई, अब बात करते हैं आपके चैप्टर 1 के। अब आज मैक्सिमम काम हो गया आपका आज का, हम नया स्टार्ट करेंगे कल, नया टॉपिक। जितने क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, सारे क्वेश्चन लिखने हैं, उनके आंसर लिखने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, योर टू राइट। और जिन और कोई भी जिनके वो सही सही आंसर